अगर तो सरकार बन रही है तो उसमें बुराई भी क्या है? नहीं, आपका अनुमान पूछना चाहते हैं। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा। अगर से गवर्नमेंट की सरकार बन रही है तो कोई बुराई नहीं है। कहते जीत जाए, अखिलेश जी जीत के जाए। लिख लीजिए डायरी में, मेरा नाम मोहम्मद हामिद अंसारी। मैं कह रहा हूँ सरकार योगी की बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा की बनेगी। हाँ, बस मैं चैलेंज बोलता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं अखिलेश जी आ रहे हैं इस बार। नहीं नहीं नहीं, यहाँ खड़े रहने से, बात करने से फायदा नहीं है। हाँ, वो एक एग्जिट पोल दिखाने का एक मकसद ये भी है कि ईवीएम से अगर गड़बड़ी हो तो लोगों के दिमाग में शक ना पैदा हो। शक ना पैदा हो, हाँ, इसलिए दिखा रहे हैं। हाँ, अगर मान लीजिए सपा की सरकार बन जाती है तो ईवीएम ठीक है? सपा की सरकार बन जाएगी, वो उनकी मेहनत रंग ला देगी। उधर अखिलेश जी आएंगे 300 के पास, इस बार नाराजगी बहुत दिखाई दी। अखिलेश जी दरअसल जिस तरह से राजनीति करते हैं ना, वो सबके लिए उल्टी राजनीति है। लोग कहते हैं कैमरे पे, लेकिन उसके पीछे जो आम आदमी है वो उसको नहीं मानता। एग्जिट पोल सही है? हाँ, तो वो तो विपक्षी तो आवाज उठाएंगे ही। अभी उनके पक्ष में आता तो ईवीएम सही हो जाती, और उनके पक्ष में नहीं आया तो ईवीएम खराब है। सारा ठीकरा ईवीएम पे फोड़ेंगे। अच्छा, ईवीएम पर रोना रोया जाएगा आपको? वो तो पक्का है, 10 तारीख को 10 बजे के बाद ईवीएम पे ही रोएंगे सब लोग। पोल आए हैं, उसमें भाजपा की सरकार बनती नजर आ रही है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। क्यों अच्छा लग रहा है? अच्छा इसलिए लग रहा है कि हिंदुस्तान में जब से सरकार इनकी आई है तब से शांति है। शांति है, शांति नहीं मिल रही इनकी सरकार में? देखिए, जान प्यारी है, अनाज सस्ता है, हमें जान प्यारी है। अनाज मिले न मिले, अनाज देते हमें उससे फायदा नहीं है, हमें जो शांति है उससे फायदा है। अच्छा, बस क्या लगता है 5 साल में शांति मिली है? हाँ, दंगा नहीं हुए है। आप भी जानते हैं ऐसी बात तो है नहीं। और उसके जब इलेक्शन जब ये सरकार में नहीं थे तो उसके साल महीने में दंगे कितने हुए आपको मालूम है? सब आप तो लिखे होंगे सब डायरी पर। ऐसा तो है नहीं कि डायरी पर लिखे नहीं होंगे आप। तो सरकार इन्हीं की बनना चाहिए। अच्छा, और जो लोग दिमाग लगा रहे हैं, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, और हम यहाँ से बोल रहे हैं पूरे बनारस की बात। जब पूरा बनारस घूमेंगे तब आपको पूरी मालूम होगी। अच्छा। और नहीं मालूम नहीं होगी। अच्छा। भाजपा जीत रही है यहाँ से, अभी जीत रही है। और क्या कह रहे, हार रही है? अरे जीत रहा है वो। कैसे जीत जाए? अखिलेश जी जीत के जाए। अरे लिख लीजिए डायरी में, मेरा नाम मोहम्मद हामिद अंसारी। मैं कह रहा हूँ अगर मुख्यमंत्री योगी नहीं बनेंगे तो दूसरा भी बन सकता आदमी। सरकार योगी की बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा की बनेगी। हाँ, बस मैं चैलेंज बोलता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं अखिलेश जी आ रहे हैं इस बार। नहीं नहीं नहीं, यहाँ खड़े रहने से, बात करने से फायदा नहीं है। यहाँ से लखनऊ घूमो, इलाहाबाद घूमो, आप आगरा घूमो, आगरा तक पड़ता है यूपी। आगरा यहाँ नहीं है, आगरा बहुत दूर है, वो भी यूपी में है। यहाँ से बात नहीं चलती, मैं पूरा घूमता हूँ। इलेक्शन में यहाँ नहीं रहता हूँ मैं, पूरा बनारस घूमता हूँ। जब मुरली मनोहर जोशी लड़े थे और कलाम अंसारी लड़े थे, मुख्तार अंसारी लड़े थे, तो क्या माहौल था? अरे जीत रहे मुख्तार अंसारी, जीत रहे मुख्तार अंसारी। जीते वो? नहीं जीते। ये बनारस जो है ये काशी है। तो इस बार भाजपा जीतती नजर आ रही है एग्जिट पोल में, तो क्या वाकई में जीत रही है? जीत रही, सही में जीत रही। वो सही में जीत रही है, ये झूठ बात नहीं है। ये कोई बटन का कारीगरी नहीं है, वो जीत रहा है। अच्छा, कह रहे हैं ये झूठे फैलाते हैं, ईवीएम में गड़बड़ी कर लेते हैं भाजपा वाले। नहीं नहीं नहीं, ये सब झूठ बात है, ये झूठ बात है। देखिए, मन जब टटोलेंगे आप, जब घूम के मन टटोलेंगे सबका, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। हम रिक्शा पर चोटर पर घूम रहे हैं, हमारे बगल में लेडीज बैठी है, वो हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ। तो बोली क्या था, किसको आप वोट दे रहे हैं? अरे मैं मोदी साहब को वोट दूंगा, मैं मोदी साहब को वोट दूंगा। वो काशी में विकास कर रहे हैं ना, लेकिन थोड़ा अंसारी पर ध्यान दे, हथकरघा वाले पर ध्यान दे, जो भूखे मर रहे हैं, करघे बंद हो रहे हैं, उस पर ध्यान देने का काम है। एक सवाल, अब तो वोटिंग तो हो गई, खैर एक ये कहा जाता है कि योगी सरकार में मुसलमान डरा हुआ रहता है। नहीं, बिल्कुल गलत, हम लोग नहीं डरते हैं। लेकिन अत्याचार किया जाता है, उन्होंने काम गलत किया है कि आज से नहीं, जब से आज़ादी हुई है तब से घाट पर लोग नहाते थे। जब से आज़ादी हुई है तब से लोग गंगा पर नहा रहे थे, लेकिन अभी जो है कुछ कानून ऐसा लागू हो गया है कि जगह जगह बोर्ड लगा है कि मुसलमान को नहाना मना, मुसलमान को नहाना मना। अच्छा। तो उनके ऊपर तालीम करना चाहिए हिंदुओं की कि ये काम मत करो, मुसलमान हिंदू मिलकर रहो। तो इस बार आप मानने की भाजपा सरकार आ रही है? हाँ बिल्कुल, एग्जिट पोल सही होंगे, बिल्कुल सही हो रहा है, सही बोलते हैं। ये बताइए, एग्जिट पोल आए हैं कल सभी चैनल्स के, तो उसमें भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती नजर आ रही है, कैसा लग रहा है आपको? सही है, सही है। क्यों सही है? अरे लोगों में जो रुझान समझ में आ रहा है उस हिसाब से तो एग्जिट पोल सही है। क्या लगता है, बाकी में ये आंकड़े, ये एग्जिट पोल 10 मार्च को सही साबित होंगे?
हाँ, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सब बदल जाएगा, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। कुछ लोग अपने मुताबिक चीज को सुनना चाहते हैं तो उनको थोड़ा सा असमंजस लगेगा, लेकिन जो रियलिटी को जानते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, तो उनको समझ में आता है कि ये चीज सही है। अच्छा, ये आपका अनुमान क्या, वाकई में आंकड़े यही है? मेरा अनुमान तो ये एग्जिट पोल के पहले ही था कि ये 300 के पार आएगी। 300 के पार आएगी, कह रहे उधर अखिलेश जी आएंगे 300 के पार, इस बार नाराजगी बहुत दिखाई दी। अखिलेश जी दरअसल जिस तरह से राजनीति करते हैं ना, वो सब खाली उल्टी राजनीति है। लोग कहते हैं कैमरे पे, लेकिन उसके पीछे जो आम आदमी है वो उसको नहीं मानता। ये बताइए, जब एग्जिट पोल आए हैं उसके बाद आंकड़े आएंगे, फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद कहा जा रहा है कि ईवीएम का रोना स्टार्ट हो जाएगा अगर बीजेपी जीतती है, तो वो तो पुरानी कहानी है। अब जब कुछ नहीं मिला तो यही, जो कुछ नहीं मिलेगा तो यही आएगा ना। अच्छा, नाम हो गया भैया आपका? भैया मेरा नाम जुल्फिकार अहमद है। अहमद जी, क्या लग रहा है, एग्जिट पोल आए हैं, भाजपा की पूर्ण बहुमत दिखा रही है सरकार, कैसा लग रहा है अभी बताइए? ठीक है, भाजपा ही आ रही है पूर्ण बहुमत से, एग्जिट पोल सही है। एग्जिट पोल सही है? हाँ, तो वो तो विपक्षी तो आवाज उठाएंगे ही, अभी उनके पक्ष में आता तो ईवीएम सही हो जाती, और उनके पक्ष में नहीं आया तो ईवीएम खराब है, सारा ठीक है ईवीएम पे फोड़ेंगे। अच्छा, ईवीएम पर रोना रोया जाएगा आपको? वो तो पक्का है, 10 तारीख को 10 बजे के बाद ईवीएम पे ही रोएंगे सब लोग। अच्छा, ये बताइए, अखिलेश जी अभी भी कह रहे हैं कि ये सब झूठ हो जाएगा और साइकिल की सरकार बनने वाली है इस बार? नहीं, अखिलेश जी गलत बोल रहे हैं। अखिलेश जी को ये है कि अखिलेश जी बीजेपी ने काम किया है और काम ही आएगा, बाबा ही आएंगे, बाबा आएंगे, लेकिन कह रहे हैं इस बार मुसलमान उनसे नाराज रहे, उसके लिए उनके खिलाफ वोट किया, अखिलेश जी को वोट किया। कोई नाराज नहीं है, क्यों नाराज रहेगा, मुसलमान को क्या दिक्कत है? मुसलमान के विकास हो रहा है, सबके लिए हो रहा है, राशन सभी को मिल रहा है, रोड सभी के लिए बन रहा है, और चाहिए क्या जनता को? क्या लगता है आपको, इस बार मुस्लिम समाज ने वोट दिया है बीजेपी को? जी, मुस्लिम समाज ने दिया है, मोदी जी के कार्यों से खुश होकर, योगी जी के कार्यों से खुश होकर मुसलमान ने बीजेपी को वोट किया है। अच्छा, दिया है, मानते हैं। तो एग्जिट पोल पे आप विश्वास करते हैं कि वाकई में पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की? 100% विश्वास करते हैं। ये बताइए, एग्जिट पोल आए हैं कल सभी चैनल्स के, उसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनती नजर आ रही है, तो कैसा लग रहा है आपको, ये बताइए? अच्छा लग रहा है, वोट ही नहीं आते हैं हमारा भैया, पहचान पत्र वोट ही नहीं आ रहा है, शादी भी हो गया अभी तक वोट आ नहीं रहा है। अच्छा, ये पूछ रहे हैं एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार अब बनी है, कैसा लग रहा है, सही बनी है सरकार या गलत आया है? हम नहीं बता सकते, बड़े लोग बताएंगे ना, हम तो अभी बच्चे हैं, अभी तो बच्चे हैं, हम नहीं बता सकते हैं ना। नहीं बता सकते आपका? हमारा नाम सिराजु सालेकिन कादरी है। अच्छा, ये बताइए, एग्जिट पोल आए हैं कल सभी चैनल्स ने दिए, उसमें भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से दिखा रही है, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है और क्या? अरे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है और क्या, उसमें आप क्या कर सकते हैं? अगर से बीजेपी आ रही है तो उसमें आपको बुराई क्या है? उसमें आप कुछ तो हो सकता नहीं। अब पब्लिक एक तरफ खिलाफ बोल रही है, दूसरी तरफ बीजेपी की वोट भी दे रही है, तो इसका क्या मतलब है? तो ये बताइए, क्या लगता है आपको बाकी में कि 10 मार्च को ये जो आंकड़े आए हैं, एग्जिट पोल आए हैं, ये 10 मार्च को सही साबित होंगे? अब ये है कि 10 मार्च को आएगा तो क्लियर हो जाएगा क्या सही है क्या गलत है। अभी तो हर चैनल का अपना एक अलग अलग एग्जिट पोल चल रहा है, कोई ज़्यादा बता रहा है, कोई कम बता रहा है, तो अब ये आने के बाद ही समझ में आएगा। ये बताइए, आप अधिकतर तो सब कह रहे हैं कि सरकार बननी है, तो आपको क्या लगता है वाकई में सरकार बन रही है इस बार या नहीं, आपका अनुमान क्या है? अब अगर तो सरकार बन रही है तो उसमें बुराई भी क्या है? नहीं, आपका अनुमान पूछना चाहते हैं। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, अगर से गवर्नमेंट की सरकार बन रही है तो कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ओके है। क्योंकि अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं कि इस बार हम आ रहे हैं पूर्ण बहुमत आ रहे हैं, ये सब आंकड़े फेल हो जाए आ रहे हैं तो वो बनाएंगे तब भी ओके है, अगर से बीजेपी योगी जी आ रहे हैं तब, अगर सर योगी जी भी आ रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, ओके हम लोग को, ओके है सब कुछ, ओके बिल्कुल। बंगाल में तो एग्जिट पोल आया था, तो उसका क्या हुआ, दिल्ली वाला 68 सीट दिखा रहे थे सांसदी वाला जी, उस पर क्या हुआ, एग्जिट पोल मतलब ये क्या है, अभी एक जो एक सर्वे मतलब आया है कि 22 करोड़ रुपया लिए हैं ये सर्वे वाले सी वोटर वाले जो। अच्छा, और सब वोटरों वालों ने 22 करोड़ रुपया इन्होंने दिया है, क्योंकि जो इनके नौकरशाही हैं वो जो हाथ घींच रहते हैं, योगी जी का फोन नहीं उठा रहे हैं और ये नहीं कर रहे, वो लोग लगे रहे हैं अभी हार ना माने हैं। अच्छा, और क्योंकि बीजेपी की तरफ से आया था बयान ये आया था बीजेपी की तरफ से कि हम जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी अधिकारी हैं, सब सफाई हो गए हैं, आप भी सुने होंगे ये बयान। अच्छा, मगर ऐसा नहीं है, पुलिस वाले जो फोन नहीं उठा रहे हैं योगी जी का, इससे क्या संकेत मिलता है? क्या संकेत है इस बार? इस बार तो पूरे बहुमत से सरकार बना रही है सपा। सपा? हाँ, गठबंधन। लेकिन एग्जिट पोल में तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो आप डीबी लाइव का देखिए। कौन सी लाइव? डीबी लाइव वाला। अच्छा, वो जो है दीन भास्कर वाले, दीन बंधु,
उन्होंने क्या दिखाया है कि 228 से 240 से बहुमत से आ रही है। आप कह रहे हैं एनडीटीवी ने दिखा दिया, आप तो समझ लो भाजपा की सरकार। वो तो इन लोगों को एक कागज मिलता है, एनडीटीवी को सबको भी कागज मिलता है सरकार की तरफ से कि देखो आपको यही सर्वे दिखाना है। और सी ओटर का उन्होंने लिया, एनडीटीवी तो अच्छा दिखाता है, सच दिखाता है, सच दिखाता है, मगर वो जो उनका सर्वे लो लिए तो वो डीवीज लाइव कर लिए तो उसपे तो उसकी सपा की सरकार दिखा रही है, और ये सी ओटर कर लेंगे तो उसपे उसकी दिखाएगी। अच्छा ये बताइए एक सवाल फिर ये भी आ जाता है कि अगर ये मान लीजिए आंकड़े जो आए हैं एग्जिट पोल वाले अगर ये सही साबित हो जाते हैं तो कह रहे हैं ईवीएम पर रोना स्टार्ट हो जाएगा फिर। नहीं वो ईवीएम गड़बड़ी है, गड़बड़ी नहीं है, आप पब्लिक ने उनको वोट दिया है मगर ऐसा लगता नहीं है क्योंकि पश्चिमी उत्तर में देख मतलब यूपी में देख लीजिए जाट और मुस्लिमों का समीकरण वो जबरदस्त रहा है। ये रहा इस बार, हाँ मतलब ईवीएम में गड़बड़ी तो नहीं होगी इस बार। ईवीएम में गड़बड़ी जो वो बदलने वाले कुछ सिस्टम सामने आया है, जैसे किराना की सीट पे आया, नाहिद हसन वाली सीट पे उनकी बहन इकरा हसन ने पकड़ा, वो ईवीएम की वो मजिस्ट्रेट की गाड़ी में ईवीएम रिजर्व वो कहाँ जा रही थी, मतलब ईवीएम गड़बड़ी हो सकती है। हाँ वो एक एग्जिट पोल दिखाने का एक मकसद ये भी है कि ईवीएम से अगर गड़बड़ी हो तो लोगों के दिमाग में शक ना पैदा हो। अच्छा, शक ना पैदा हो, हाँ हाँ इसलिए दिखा रहे हैं। हाँ अगर मान लीजिए सपा की सरकार बन जाती है तो ईवीएम ठीक है, सपा की सरकार बन जाएगी वो उनकी मेहनत रंग ला देगी। अच्छा, वो मेहनत क्या उनसी मेहनत जो आज वो ईवीएम को वो घेर कर बैठे हुए हैं, वो ईवीएम को जो घेर कर बैठे हुए हैं जो उनके सब प्रबंधक जो उनके जो सब प्रत्याशी जो घेर कर बैठे हुए हैं, अभी ने राकेश टिकैत ने क्या कहा कि दो दिन के लिए कम्बल और तकिया सब लेकर आप लोग बैठ के ईवीएम की रक्षा कीजिए, क्योंकि उनको भी तो डाउट है, वो भी तो किसानों के नेता हैं। अच्छा, उनको भी डाउट है क्यों राकेश टिकैत मतलब अगर भाजपा सरकार बनती है तो ईवीएम में गड़बड़ी है और सपा की बनती है तो ईवीएम में गड़बड़ी नहीं, सपा की क्योंकि उसमें फिर उनको चाचे मतलब चांस नहीं रहेगा। अच्छा, क्यों हम बता रहे हैं कि जैसे क्योंकि इनको वोट तो मिला नहीं है,